ऑफ रोड है, हवा बहुत तेज चल रही है और उसके बाद ऊपर ऐसा लग रहा है स्नो गिर रही है। ऑफ रोड तो था ही, साथ में स्नो और मिल गई। नीचे से ना लगभग 1.5 किलोमीटर आ गए होंगे, 5 किलोमीटर तो ना कोई रहने की खाने की कुछ भी सुविधा नहीं है, और जो हमारा पानी था ना वो भी खत्म हो चुका था, बिल्कुल भी पानी था नहीं था। लो जी मार्फा पहुँच चुके हैं, मार्फा से आगे मुक्तिनाथ जोमसम जाने के लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता है ये जो गांव के अंदर से जाएगा जैसे लिख रखा है मार्फा विलेज, और दूसरा जाएगा ये जो बार बार जाएगा। बार बार जाने का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो हम विलेज के अंदर से जाएंगे, पहले यहाँ पे खाना खाते हैं फिर अंदर से जाएंगे। तो अभी चलो अंदर चलते हैं विलेज के। लो जी मार्फा विलेज के अंदर घुसते ही हमें एक मिल गया है होटल, जिसका नाम है होटल मार्फा इन एंड रेस्टोरेंट। यहाँ पे हम खाना खाएंगे अभी। एक बार पहले होटल दिखा देते हैं आपको, बिल्कुल रोड के जस्ट बगल में है। हाँ ये जूस उसकी बोतल है मार्फा, ये यहाँ पे इनका किचन है, ये यहाँ पे ये किचन है जी आपका। खाना कितने रुपए का मिलेगा जी? खाना 350 से। अच्छा जी, वेज 350 और नॉन वेज? दूसरा खाना जो वेज है वो 350 रुपए का है और हमें डिस्काउंट देकर 300 रुपए का दे दिया है। बैठने के लिए जगह बढ़िया है, और क्या चाहिए, खाना मिल गया, चार्जिंग पॉइंट लगा लेते हैं, खाना खाते हैं, उसके बाद मार्फा विलेज घुमाते हैं आपको, तो बने रहे वीडियो में, मजा आएगा। लो भाई खाना आ गया है, जल्दी जल्दी खाना खाते हैं, बहुत देर से फोन चला रहे थे। खाने में हमें ये चपाती मिली है, ये दाल है शायद पीने के लिए, ये सब्जी है, ये हरी सब्जी हर जगह मिलती है, चटनी है, ये मिली है, ये क्या था वो था अदरक का मूली का अचार, मूली का अचार था, ये क्या है सेब है, ये सेब है, ये पापड़ है, ये तत्ता पानी है। जल्दी से खाते हैं फिर मिलते हैं वापस रोड पे। लो भाई खाना खा लिया है, बहुत ही अच्छा खाना था, बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा। हेलो, और अब ये मार्फा गांव आ गया है, मार्फा गांव को देखो, मुझे बाद में देखना। देश के अंदर से जाएंगे अब हम। और अब यहीं से करमबीर ढिल्लों जी निकलेंगे। कितनी बीड़ी बीड़ी गलियां हैं आप देख सकते हो। हेलो सर, अभी मार्फा विलेज में घूम रहे हैं, मजा आ रहा है। हेलो सर, लो जी नेपाल के मार्फा विलेज में पहुंच चुके हैं, और मार्फा विलेज के भी मार्फा मोनेस्ट्री में आ चुके हैं। मेरे पीछे जो है ये अंदर मोनेस्ट्री है, मोनेस्ट्री बंद है, तो एक बार आप लोगों को ऊपर से मार्फा गांव दिखा देता हूं और रोड दिखा देता हूं। ये उस तरफ से देखोगे तो ये पूरा मार्फा गाँव है। वहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है ना, वहाँ से एक अंदर गांव के अंदर आता है और एक बार बार रोड जाता है, वो बार वापस जाके वहाँ पे मिल जाएगा वहाँ पे, और ये गांव से यहाँ पे जाएगा। तो गांव का अंदर व्यू दिख गया, मोनेस्ट्री दिख गया, टॉप व्यू दिख गया, मजा आ गया भाई देख के। मोनेस्ट्री तो बंद है तो सारा देख लिया, अब वापस नीचे उतरते हैं और मिलते हैं डायरेक्ट आपको रोड पे।
हाथ से राख मत आओ। जबरदस्त चीज है, कितनी प्यारी आवाज है। कितने का है? क्या चीज है ये? क्या नाम नाम क्या इसका? सिंगिंग बॉल। सिंगिंग बॉल बजने वाली डल्ली। कितने रुपए का होता है ये? दिस वन। हां दिस वन। हम आपकी दुकान डालेंगे इंटरनेट पे। 1600 1600 1600 रुपए। अच्छा ग्लव्स उन लग रहा है। अंबर हो गया हो गया हो गया। वाह भाई वाह। बजा है? हाँ हाँ। ग्लव्स भी नहीं बजता ना? कुछ या नो नो दिस। अच्छा बजता है। 1600 रुपए का भाई। ये कितना गांव कितना पुराना है? बहुत पुराना है। नहीं बहुत नहीं, कितना? कुछ साल कुछ पता हो? इसमें जनसंख्या कितनी टोटल? कितने बंदे रहते हैं इसमें? आइडिया फिर भी? अभी अभी मैं तो शादी इस जगह में शादी हुआ 5 साल हो गया। अच्छा 5 साल हो गया। कहाँ हुआ शादी? यहीं पे हुआ। आपका? बेनी से आए हम साइकिल से। हरियाणा से साइकिल से आ रहे हैं। कितने घर होंगे इसमें आपको पता कुछ? कितने घर होंगे इसमें टोटल गाँव में? घर हाउस कोई आइडिया हो? जनसंख्या कितनी हो? कुछ आइडिया आपको? I don't know. वैसे यहाँ पे स्कूल या कुछ है? स्कूल है एक। कितने स्कूल है? एक कितना? 10th तक प्लस 2 तक? 8 तक। 10th तक लड़कियाँ लड़कियाँ वहीं पे पढ़ती हैं सारी। ओके थैंक यू। हमने यहाँ पे ना गांव वालों से मतलब एक शॉप थी लोकल, उससे पूछने की कोशिश की कितने घर है कितने गांव गांव में मतलब कितने लोग हैं, लेकिन नहीं पता चला। ये कपड़े धोने के लिए पहनने पड़ते पहले, सर्दी नहीं लगेगी जिससे? है अच्छा जी, इसके बिना नहीं धुल सकते। क्या नाम है आपका? क्या आपका? यूनिसा। और आपका? सुविशा। यहाँ कितने लोग रहते गांव में आपको कुछ पता है? कितने घर हैं? पता नहीं। नहीं आइडिया? कोई आइडिया नहीं। ओके थैंक यू। देख पानी कैसे आ रहा है साइड से। नमस्कार जी। और इस तरफ ये शायद पेड़ है सारे। एप्पल बाग है ना? मजा आ गया भाई गांव देख के, अलग फील लगेगी। मतलब नेपाल का अलग कल्चर टाइप देखने को मिलेगा। मतलब कल्चर तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत ही अलग मिलेगा, अलग फीलिंग आएगी। बहुत सालों पुराना गांव, बहुत सालों, इतने साल पुराना कि किसी को भी नहीं पता कितने साल पुराना। दीप ले लेना डा। चल 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 पर नंबर चल चल। अभी हम निकल गए हैं मारपा गांव से। अगर रोड से आते तो आप सीधे ऐसे आते। अभी आगे के लिए निकल रहे हैं। मारपा से निकलते तो सामने का व्यू है ना भाई साहब, जबरदस्त व्यू लग रहा है। जैसे आप लद्दाख जाते हो ना उस तरह का रास्ता देख सकते हो आप। ऐसे कुछ रास्ते से चल रहे हैं। पिछले लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर तक बिल्कुल ऑफ रोड था मेरे भाई, बिल्कुल ऑफ रोड। कच्ची रोड थी जैसे आप देख रहे हो, बिल्कुल कच्ची रोड थी। अभी यहाँ पे रुके हैं, पानी ख़त्म हो गया तो पानी भरवा रहे हैं। पानी पियेंगे, कुछ मिनट रेस्ट हो जाएगा, फिर आगे के लिए निकलते हैं। अभी से ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल ऑफ रोड मेरे भाई, हालत ख़राब हो रखी है, सांस भी बहुत जल्दी चढ़ रहे हैं। अभी हम जोमसम वाले इलाके में हैं, यहाँ से जो कागबेनी है वो 15 किलोमीटर पड़ता है। वहाँ से मुक्तिनाथ
11 किलोमीटर और है। तो मुक्तिनाथ धाम यहाँ से कुल मिला के 26 किलोमीटर दूर है। कोशिश रहेगी कम से कम कागबेनी तो हो ही जाए, और अगर हमारे पास 1.5 घंटा भी बचा, हमें लगा कि हम जा सकते हैं, तो हम पहुँचने की कोशिश करेंगे मुक्तिनाथ, क्योंकि आज शाम को 8 बजे से लेके कल दोपहर 2 बजे तक स्नो दिखा रही है। ऑफ रोड है, हवा बहुत तेज चल रही है, और उसके बाद ऊपर ऐसा लग रहा है स्नो गिर रही है, और अभी हमें बहुत दूर और जाना अभी, तो चलो चल रहे हैं। 25 किलोमीटर के पास अभी और रहता है मुक्तिनाथ धाम। जय बाबा की। ये जोनसुम का एक कोट है भाई, हाँ साइड में हो थोड़ा। क्या नाम है, नाम क्या तुम्हारा? निरम भैया। भागो मत सासर जाएंगे, आराम से आ जाओ। यही बस स्टैंड है और इसके बगल में एयरपोर्ट है जोमचम, और ये शहर है। पहुंच गए हैं बड़ी मशक्कत के बाद जोमचम। ये भी पीछे जोमचम की चेक पोस्ट है, जहाँ पे हमारे परमिट पे थप्पा लगता है। इससे पहले जैसे 2 परमिट देते हैं, एक रास्ते में ले लेते हैं, दूसरे पे यहाँ पे थप्पा लगता है। थप्पा लगवा लिया है और अभी आगे के लिए निकल रहे हैं। यहाँ पे ना नंबर वंबर ले लेते हैं, कई बार सुनो हो जाती, कोई दिक्कत हो जाए तो उसका पता चल जाएगा। ऑफ रोड तो था ही, साथ में स्नो और मिल गई, बर्फ मिल गई भाई रोड पे। हम दोनों से अलग कोई भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पे भी रोड पे स्नो दिख रही होगी आप लोगों को, और जो नदी दिख रही ना, यहाँ से रोड ऐसे 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 दूर पहाड़ी पर, जितनी दूर तक नजर जा रही ना, उतनी दूर तक नदी के किनारे किनारे जाना है। अगर आज पहुँच जाते हैं ना तो मज़ा आ जाएगा, स्नो की दिक्कत नहीं होगी, कभी ऐसा ना बन जाए बिल्कुल कोने पे खड़े हों और आगे ना जा पाए। पूरे रोड पे स्नो भाई, पीछे देख सकते हो आप और आगे देख सकते हो। रोड नाम की तो चीज ही नहीं है यार, फिर देखो सामने से। यहाँ से दो रास्ते अलग अलग होते हैं, एक जाता है कागबेनी, दूसरा जाता मुक्तिनाथ। जैसे कि ये देख रहे हो बोर्ड भी लिखा हुआ है, कागबेनी इस तरफ, मुक्तिनाथ उस तरफ। तो उस तरफ जा रहे हैं, यहाँ से 16 किलोमीटर है, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। अगर अभी के टाइम की बात करें तो 4:30 बजे का टाइम हुआ है। अभी एक पॉइंट पे खड़े हैं, जहाँ से एक रास्ता कागबेनी की तरफ जाता है, जो नीचे होटल और रहने के लिए है, दूसरा जाता है मुक्तिनाथ के लिए, जो इस तरफ से रास्ता है। वहाँ पे 5 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं लेगा, फिर 8 किलोमीटर, फिर 11 किलोमीटर, मतलब कि 14 किलोमीटर के आसपास है मंदिर। तो अभी कम से कम 5 किलोमीटर तो चलेंगे, क्योंकि रोड अच्छा मिल गया है। पहले कच्चा रोड था, अभी रोड की बात करें तो ऐसा रोड है, लेकिन चढ़ाई है, चढ़ाई से कोई दिक्कत नहीं है, पैदल लेके चढ़ लेंगे, क्योंकि हालत ख़राब हो चुकी है, सुबह से 40 से ज़्यादा किलोमीटर आ चुके हैं। वहाँ पे बर्फ है, रहने दो रहने दो। क्या हुआ? अभी भाई ऊपर जा रहे थे, और जो नीचे से ना लगभग 1.5 किलोमीटर आ गए होंगे, 5 किलोमीटर तक ना कोई रहने की खाने की कुछ भी सुविधा नहीं है, और जो हमारा पानी था ना वो भी ख़त्म हो चुका था, बिल्कुल भी पानी था नहीं था ना मेरे पास ना करमबीर के पास। तो कुछ भाई मिले हैं सिक्किम से, नाम चीज़ है, इन्होंने पानी दिया। थैंक यू भाई, थैंक यू। आप नाम बता दो भाई एक बार अपना। मेरा नाम सुमन गुरुंग है, हम लोग नाम चीज़ है सिक्किम। मेरा नाम है संगे शेरपा है, मैं परवीन छुपा परवीन से। हेलो, माय नेम इज़ अभिनय गुरुंग, आई एम फ्रॉम नामची साउथ सिक्किम। मेरा नाम नवांग शेरपा, मैं भी नामची से। धन्यवाद भाइयों, धन्यवाद भाइयों। भाई बिल्कुल पानी नहीं था और कोई भी व्हीकल नहीं आ रहा, सुबह से ये मान लो कम से कम 5-6 व्हीकल आए होंगे ना,
ना कोई भी व्हीकल नहीं आ रहा था, हालत ख़राब हो रखी थी। बर्फ़ देख सकते हो बिल्कुल रोड पे बर्फ़ है, वो पूरी चढ़ाई है और 5 किलोमीटर तक कुछ नहीं मिलेगा। अभी हम आई विले, धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाइयों ने गर्म पानी दिया है, मज़ा आ गया। कैसा रोड है, तो भी चलो चल रहे हैं। A few moments later, हालत खराब हो रखी भाई बहुत ज्यादा, पूरे रोड पे बर्फ ही बर्फ है, टायर फिसल रहे हैं। ये अपनी साइकिल है, 6 बजे का टाइम हो चुका है और उस पहाड़ के पीछे गांव बता रहे हैं, यहाँ से भी पूरी चढ़ाई है, बहुत टाइम लगने वाला भाई। तो उतरन लग रहा है। चल जब 1 किलोमीटर तक से बनाना और काम भी ठीक किया, काम तो ठीक है, आपका जोड़ की पड़ता जाने देंगे करना। हाँ, बड़ी गलती कर दी हम ना जा के जोड़ ना रोके हम। हाँ हाँ, न्यू था ना 14 किलोमीटर चल जाएंगे, 5 किलोमीटर का डबल है, 5 किलोमीटर चलने पड़ेंगे। देखिए बाइक का